कलाकार टिकंजा। पिंजक देव कला दा बापा हाशिम शाह महाराजा रणजीत सिंह दे समया दा किस्साकार कवि होया। मुकामी पीर दा पोता होण करके बदल च आके कविता कहंदा ता लोग आशश कर उठते। जदों उसने सस्सी पुन्नू दा किस्सा लिखिया ता गल लाहौर दरबार तक तुम गई। किसी ने महाराजा कोल हाशिम दी तारीफ कीती ता महाराजा रणजीत सिंह कहंदा किसे दिन बुलाओ उन बह के सुनते हैं। दरबार तो इलजी आ गए महाराजा दा सुनेहा लेके। हाशिम नूं कहंदे लाहौर जाना पऊ, महाराजा साहब ने किस्सा सुनना तुहाडे कोल। हाशिम शाह हस पिया कहंदा उहने सुनना ता इत्थे आ जाए, केड़ा दूर आ। एलजी मुड़ गए। महाराजा पड़ा सी, कोई होर हुंदा ता मूंह काला करवा लैंदा फकर कलाकार नाल आडा ला के। गल आई गई हो गई, कई साल बीत गए। आखरी उम्रे महाराजे नूं अधरंग हो गया। वैद वदंतरी अंग्रेजी डॉक्टर अपना ओहर पोहर कर रहे। गल हाशिम शाह नूं पता लगी। हाशिम शाह हिकमत दा भी जाणू सी, पुरखियां तों हत्थ च छपा सी। लाहौर नूं तुर पिया। किसी ने आख्या फकीरां नूं किधर भजना पईआं है। कहिंदा साडे महाराज नूं मेरी लोड़ है, रजा रब दी है, पर मैं अपना तान लावांगा कि महाराज सेहतयाब हो जावे। ए गल सी कलाकार दी, उसने किथे जाना हुंदा है ते किथे नहीं। हुण गल कंजरां दी। बहुते लोग समझदे ने कि कंजर कोई गाल आ, जे गाल नहीं वी आ तां बद इकलाकी वर्गा कोई विशेषण है। पर असल च कंजर इक जात है, ज्यों जट नाई सुनियारे या तुहाडी या मेरी। चढ़दे पंजाब च कंजर जात दे बंदे होर जातां च रल गए, वास कास कर गए, जां आर्थिक मजबूती मगरों कही जांदी उच्च जात च सदौण लग गए। कंजरियां दे नां इनाम च मिलियां जगीरां लगण नाल कंजरां दियां कई कोतां जट भी अखवाउण लग पईआं। गोतां दे नां इत्थे मैं लै नहीं सकदा, जे पढ़ने होण तां किताब वंजारा बेदी पंजाबी लोक तारा कोश विचों पढ़ लिओ। मेरा कंजरां नाल बार राजस्थान दे जिले बूंदी च पिया। इत्थे कंजर जात दे कई पिंड ने। कंजरां दियां जनानियां सड़कां ते खलो के अपना शरीर वेचण लई बंदियां नूं वाजा मारदियां दिस जांदियां ने। बहुते गा अपने पंजाबी भरा ते ड्राइवर हुंदे ने। इन्हां दे बंदे अपनी जनानियां दी दलाली करदे ने ते नशा वेचदे ने। इन्हां लई इह कोई मेहणे वाली गल नहीं हुंदी। व्याह करके न्याणे जम के जनानी नूं बकायदा इक रसम नाल कंधे ते बिठाया जांदा है। पंजाब दे कंजरां दा इक लंबा इतिहास है। फौजिया सायद दी किताब हीरा मंडी राही पता लगा कि कंजरां दी जात च नचण दी कला पितरी नहीं हुंदी, सगों उहनां च नचण वाली कुड़ियां दे प्यो तां बड़े वड्डे वड्डे मालदार अफसर ते जरावर बंदे हुंदे ने। इह कला माहौल चों ही पैदा हुंदी है। इत्थे रोटी लई नचणा ते बंदे नूं अपने शरीर वल खिचणा हुंदा है। खैर कंजर कोई गाल नहीं, इक जात है। इस जात दा कला नाल कोई संबंध नहीं, सगो किसे भी जात दा कला नाल कोई संबंध नहीं। वड्डे वड्डे कलाकार बाणियां तरखाणा ते तेलियां दे घर जम्मे, जट्टां दे करे आलम फाजल ते विद्वान भी जम्मे ते चिड़ी मार भी, बामणा करे बोंगे भी पैदा हो जांदे ने ते नचार भी। बावजूद असीं अक्सर ही इक लाख तो डिग के बंदे नूं कंजर कह दिंदे आ। नचण जां गाउण वाला कंजर नहीं हुंदा, कंजर कलाकार नहीं हुंदा, कलाकार तां हाशिम वर्गा हुंदा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰਨ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਜਰ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਜਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋ। ਕੰਜਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਨ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੇਖ ਕਿੱਸੇ ਕਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।